गोट ट्रैक्टर ट्रेन रेस्क्यू। वो रमापुर नाम का गांव है। उस गांव में रजनीश नाम का चरवाहा हुआ करता था। उसके पास कई सारे बकरी और एक पुरानी ट्रैक्टर पड़ी हुई थी। कई सालों से उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने से रजनीश उस ट्रैक्टर को अपना सेंटीमेंट की तरह और लकी मानता था। एक बार रजनीश अपने पत्नी से, सुनती हो, शहर जाकर कुछ बकरियां बेचकर आता हूँ, तुम ध्यान से रहना, घर का भी ध्यान रखना। ठीक है जी, आराम से जाकर आइए। ओ जी, वो खटारा ट्रैक्टर निकाल सकते हो ना जी, कब तक वही इस्तेमाल करते रहोगे? अरे क्यों, क्या बात कर रही हो, वो हमारे पुश्तैनी ट्रैक्टर है, वो मेरी लकी गाड़ी है, तुम फिर कभी भी उसे खटारा मत कहो, एक चाटा मारूंगा। कहकर शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर एक ट्रेन क्रॉसिंग था। रजनीश बकरियों को ट्रैक्टर पर चढ़ाकर उस ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंच रहा था। हे भगवान, मेरा ट्रैक्टर वो ट्रेन की पटरी पर ना रुके, ऐसा देखो भगवान, यूं सोचा। और तभी पटरी पर ट्रक रुक गई। छी, फिर रुक गई। अरे क्यों ये हमेशा यही रुक जाती है, बिल्कुल समझ नहीं आता, सोचकर दुखी हो रहा था। तो इतने में एक ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी। ट्रेन ड्राइवर अमरनाथ दूर से पटरी पर रुकी ट्रैक्टर को देखकर तुरंत ट्रेन ब्रेक्स लगाए। अमरनाथ फिर रजनीश के पास आकर, क्यों है, शर्म है तुझमें, हमेशा अपने ट्रैक्टर को यहीं रोकते हो, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम नहीं बदलोगे क्या? ओजी, मैं जान मूझ के इसे यहाँ नहीं रोक रहा हूँ, वो अपने आप यहाँ रुक जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं है। तुम्हारी ये कहानी बंद करो, अब फिर तुम्हारा ट्रैक्टर यहाँ रुका तो ट्रेन से ट्रैक्टर ठोक दूंगा, आगे मुझे नहीं पता, कहकर चले गया। जब ये चल रहा था तो उसी गांव में एक चोरों का गुम्ब अपने गुफा में थे, उनका नायक। अरे हम जल्द ही अपने जिंदगी में सेटल हो, ऐसा बड़ा अवकाश मिला है रे, कल हमारे गांव से गुजरते हुए कुछ करोड़ों का सोना पैसे सब एक ट्रेन में ले जा रहे हैं। हमारे ट्रेन क्रॉसिंग पर एक बड़ा खड्डा खोदो, ट्रेन पटरी से उस खड्डे में गिरते ही हमें चोरी करना आसान हो जाएगा, तब पैसे सोना सब चुरा लेंगे। उस रात चोर ट्रेन क्रॉसिंग पर पटरी को तोड़कर एक बड़ा सा खड्डा खोद दिए। अगले दिन हमेशा की तरह रजनीश ट्रैक्टर पर बकरी को चढ़ाकर ला रहा था तो ठीक ट्रेन क्रॉसिंग पटरी पर ही ट्रैक्टर रुक गई। रजनीश ऊपर देखकर, दादा ये क्या है दादा, हमेशा ट्रैक्टर यही रुक जाता है, इस बार वो ट्रेन ड्राइवर देखा तो मार डालेगा, कहकर ट्रैक्टर को धक्का मारने की कोशिश किया। दूर से छिपकर चोरों का नायक और उसके आदमी ये सब देखकर, अरे वो कौन है, ठीक पटरी पर ही ट्रैक्टर रोका। नहीं भाई, ट्रैक्टर ही पटरी पर रुक गई लगती है। अरे अब वो ट्रेन अगर इस खड्डे में नहीं गिरी तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा, चलो हम सब मिलकर उस ट्रैक्टर को धक्का मारते हैं, कहकर सारे चोर फिर उस ट्रैक्टर को धक्का मारने लगे। इतने में ट्रेन दूर से हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। अंदर बैठा ट्रेन ड्राइवर अमरनाथ, इस रजनीश को इतनी बार कहने पर भी अकल नहीं आ रहा है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, कहकर पुलिस को फोन मिलाया और सब बताया। अमरनाथ तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रैक्टर के पास रोका। रजनीश के पास आकर अमरनाथ, रे शर्म बुद्धिमान कुछ तो है रे तुझमें, कितनी बार तुझे डांटू रे, ये उसके साथ बहस कर ही रहा था। कि इतने में पुलिस वाले वहां आए। पुलिस उन चोरों के नायक और उसके आदमी को देखकर तुरंत उन्हें गिरफ्तार किए और रजनीश के पास आकर, रजनीश कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी वजह से ये बड़े चोरों को पकड़ पाए, वे यहाँ मौजूद हैं, उसका मतलब जरूर कुछ प्लान बनाए होंगे। इतने में एक कांस्टेबल आकर, सर 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 यहाँ अर्जेंट आइए सर। सब वहाँ जाकर देखे तो पटरी टूटी पड़ी थी और एक बड़ा सा खड्डा था। अमरनाथ तब रजनीश से, आज मेरे ट्रेन को, ट्रेन में मौजूद पैसेंजर्स को, इस देश का बहुत धन को भी बचा लिए हो। दादा आप सचमुच हैं, इसीलिए ये मेरा लकी ट्रैक्टर है, यूं मन में सोचा। मैजिकल ब्रोकन स्कूटर।
एक गांव में आनंद सागर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। एक बार अपने लैब में उसने एक अद्भुत आविष्कार किया। वो एक मैजिकल स्कूटर को तैयार किया। साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से, रे सक्सेस हुआ रे, ग्रैंड सक्सेस, मैं एक अद्भुत स्कूटर का आविष्कार किया हूँ रे। ऐसा क्या? क्या सर, वो कैसा आविष्कार है? वो बोलने वाला नहीं है, आओ दिखाता हूँ, कहकर स्कूटर के पास लेकर गया। ये देखो, यही है स्कूटर, मैंने कहा था ना यही मेरा स्कूटर है, कहकर उसके ऊपर बैठकर एक बटन दबाया। बस वो पीछे जाने लगा। दूसरे बटन को दबाते ही वो दो हिस्सों में बट गया। थोड़े देर के बाद वो स्कूटर वापस चिपक गया। वो देखकर असिस्टेंट, सर ये क्या है सर, सच में ये अद्भुत है सर। हाँ रे, इसे अपने गैरेज में लगाओ, बहुत जल्द ही इसके पेटेंट राइट्स लेंगे। उसी गांव में लंबू नाम का एक छोर रहता था। उसके पास एक पुराना खटारा स्कूटर था। एक बार लंबू गांव के गलियों में स्कूटर पे जा रहा था कि उसे मंदिर के पास बदन पे कई सारे गहने पहनी हुई औरत दिखी। ओह, चमकती हुई धमकती हुई ये स्त्री कौन है? इसके गहने चोरी किया तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, सोचकर स्कूटर को भगाते हुए उसके गले में से हार को छीन लिया और स्कूटर पर भाग गया। वो औरत तब उसे, रे स्टूपिड फेलो, रुको रे रुको, चोर चोर चोर, कहकर पुकारने लगी। तभी थोड़े लोग उसके पीछे भागने लगे। लंबू अपने स्कूटर को रेस किया मगर अचानक वो स्कूटर रुक गया। रे ये क्या, अब स्कूटर रुक गया, सोचकर स्कूटर उतरकर स्कूटर के किक रॉड को मारा। बस किक रॉड टूट गया। छी, सही वक्त पर किक रॉड भी टूट गया, इस खटारा स्कूटर के भरोसे रहा तो ऐसे ही होगा, सोच रहा था। इतने में वो लोग आकर लंबू को पीटने लगे। लंबू जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला। उस रात लंबू, छी बेकार में पकड़ा गया, वैसे इस स्कूटर के भरोसे और कितने दिन रहूंगा, मेरे पास इसके अलावा और दूसरा कोई उपचार भी नहीं है ना, इस बार कुछ भी करके लाइफ में सेटल होना चाहिए, सोचकर अगले दिन अपने शिष्य को बुलाकर, रे शिष्य, कल जो हम चोरी कर रहे हैं उससे अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं बाहर अपने स्कूटर के साथ वेट करूंगा, तुम इस ज्वेलरी शॉप में से सारे गहने चुरा कर आ जाना, दोनों मिलकर भाग जाएंगे। चोरी मैं करूँ तो भागने का प्लान तुम करोगे क्या गुरु, ठीक है, कहकर अगले दिन शिष्य एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करके एक बड़े से थैली में गहने डालकर उसके साथ बाहर आया और वो दोनों खटारा स्कूटर पर भागने लगे लंबू ड्राइव करते हुए। रे शिष्य, अच्छे वक्त पर चोरी की हो रे। ओ गुरु, मेरा छोड़ो और हमारा एस्केप प्लान क्या है, जल्दी से बताओ। और क्या, ये स्कूटर पर ही भागते हैं। अरे बाप रे, ये खटारा स्कूटर पे क्या? इतने में पुलिस उनका पीछा करते हुए आ रही थी। ओ गुरु, पुलिस अपना पीछा कर रहा है, इस स्कूटर पर बहुत दूर नहीं जा सकते, चलो दूसरा कोई गाड़ी ढूंढते हैं और मिलकर उस पर भागते हैं। अच्छा आइडिया है रे, कहकर पास में साइंटिस्ट के लैब के गैरेज में जो स्कूटर दिखा वो स्कूटर को दोनों ने चुराया और उनके पुराने स्कूटर को वहीं छोड़कर वो साइंटिस्ट के बनाए हुए स्कूटर पर भागने लगे। फिर भी वो पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ओ गुरु, और तेज और तेज। लंबू तब एक्सेलरेटर जोर से रेस करने लगा। एकदम से वो स्कूटर रुककर पीछे जाने लगी। ये क्या गुरु, ये पीछे जा रहा है, आगे चलिए आगे चलिए। रुको रे रुको, ये कोई माया स्कूटर है लगता है, ये खुद ब खुद रुक कर पीछे जा रहा है। गुरु आगे ट्रेन क्रॉसिंग है, ट्रेन आने से पहले अगर वो ट्रेन क्रॉस पार कर लिए तो हमें वो पुलिस वाले कभी नहीं पकड़ सकते। रुको रुको, यहाँ कुछ स्विच है, कहकर एक स्विच दबाया। बस वो स्कूटर आगे चलने लगा। ट्रेन क्रॉसिंग करते वक्त अनहोने में लंबू दूसरा स्विच को दबाया, बस वो स्कूटर दो में बट गया। ट्रेन के एक तरफ लंबू, दूसरी तरफ उसका शिष्य रह गए। ये क्या गुरु, स्कूटर दो में बट गया है। पता नहीं रे, ये कोई जादू लगता है, रुको अभी आ रहा हूँ। इतने में ट्रेन आया, शिष्य वहाँ से हिल नहीं पाया, लंबू भी वहाँ से हिल नहीं पाया। इतने में पुलिस वहां आकर शिष्य को पकड़ लिए। ट्रेन क्रॉसिंग होने के बाद लंबू कहीं नहीं जा सका, तब पुलिस लंबू को भी पकड़कर दोनों को जेल में डाले।